आप सभी ऑडियंस को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं ओपन प्लेस में हूं, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक का शोर भी आएगा, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ इसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हमारा इलेक्शन भी आने वाला है, इसलिए हम सभी को मतदान जरूर करना चाहिए। तो अब हो गई है, साथ ही नवरात्रियाँ शुरू, कुछ खरीदारी भी करनी है। तो आई एम ऑन द वे राइट नाउ, इस तरह से मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। एक्वेरियम के लिए मछली लेनी है, उसके अलावा नवरात्रियों को सामान लेना है, फल वगैरह लेने हैं, तो ये सारा काम मार्केट से हो पाएगा। ऑफिस की छुट्टी बाद कल शायद ईद उल जुहा की छुट्टी है, तो कल मेरा निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ब्लॉग के लिए वीडियो शूटिंग भी अभी कर देता हूँ। साथ में ही साथ चुनाव भी आने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतदान जरूर करिए। यह हमारा एक अधिकार होता है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वोट डालकर आएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। तो अभी बजा है लगभग दिन का 2, देखता हूँ 2 बजे से लेकर 3-4 बजे तक का कितना काम हो पाता है। गर्मियों में दिन बढ़ जाता है, उसी अनुपात में काम भी बढ़ जाता है। पहला नवरात्रि है, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाजार भी नवरात्रि के सामानों से सज गए। कई जगह आज की छुट्टी है और कई जगह नहीं है। कुछ जगह जहाँ पर आज नहीं है, वहाँ पर डे आफ्टर टुमारो पर छुट्टी की गई है। हमारे यहाँ आज छुट्टी नहीं है, तो आज इधर से मैं मार्केट में आ गया था, तो नवरात्रि का सामान लेते हुए 2-3 काम और है, देखते कितना काम हो पाते हैं। तो इस तरह से बाज़ार में सजी हुई चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, इनमें साफ सफाई वगैरह भी करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से सभी जगह सफाई की जाती है, मंदिरों में, देवालयों में। और गुड़ी पर्व जो मेरे महाराष्ट्र की तरफ से, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरह से मैं जनरल स्टोर पे आ गया हूँ, यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह, धूप बत्ती वगैरह ले जाना है, रोज़ का ये रूटीन रहता है। तो इस तरह से मैं सीधे दुकान के अंदर एंटर हो जाता हूँ, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मुझे सीधे आगे निकलना है। 2-3 काम अर्जेंट के हैं, तो पहले उन कामों को करते हुए निकलेंगे। तो ये इस तरीके से मैं अभी दुकान के अंदर एंटर हूँ और परचेजिंग का काम कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बड़ा ही अच्छा मनभावन लगता है इस मौसम में, नवरात्रि के मौसम में नवरात्रि का सामान, दिवाली के मौसम में दिवाली का सामान। दुकानदार लोग भी सारा कलेक्शन निकाल कर रख देते हैं, उसी हिसाब से आदमी का रूटीन भी बन जाता है। साथ में यहाँ से काम को निपटाते हुए अभी मुझे दूसरी लोकेशन पर जाना है, ये हमारा एक्वेरियम है। एक्वेरियम की फ़ीस भी काफ़ी लंबे टाइम से मैं नहीं डाल पाया था, क्योंकि इस बीच ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया था। अब अप्रैल शुरू हो गया तो थोड़ा अभी ठंड कम है, तो फिश वगैरह भी 2-3 कम से कम डाल लेनी चाहिए, अदरवाइज सूनापन सा लगता है। तो इस तरह से मैं चूज कर लेता हूँ। इनके यहाँ सारी एसेसरीज अवेलेबल रहती है, कुत्ता बिल्ली सभी का सामान जाता है। जैसा कि आप देख पाए, नकली बोन्स है, कुछ हाथ से दबाने वाली बॉल्स वगैरह हैं। यहाँ से मैं फिश परचेज करके फिर अगले काम की तरफ चले जाता हूँ। और ये मार्केट में आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, पहली नवरात्रि है, तो लोग ऐसी धार्मिक चीज़ खरीदने के लिए आए हैं। कुछ लोग ज़्यादातर मंदिर गए हुए हैं, कई स्कूल आज बंद है, तो इस वजह से भी ज़्यादातर यहाँ पर इस समय में जो मेन रश होता है स्कूल के छात्रों का या स्कूल की बसों का होता है, तो इस वजह से अपेक्षाकृत रश कम लग रहा है मुझे मार्केट में। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने अगले लक्ष्य की तरफ चले जाता हूँ। और साथ में जो भी नवरात्रि में ख़रीदारी लगभग सभी जगह समान ही होती है, चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं। अलग अलग नाम से भले ही त्यौहार मनाए जाते हों, लेकिन मेन चीज़ 3-4 ही रहती है। इनमें प्रसाद वगैरह होता है, कुछ पूजा पाठ का सामान होता है, कुछ मिठाई वगैरह होती है, तो रूटीन सभी का लगभग सेम ही होता है। ये बात मैंने भी ध्यान दी है। और बाकी सबका ऑक्यूपेशन अलग होता है, उससे प्रोफेशनल लाइफ लगभग एक ही जैसी होती है। इस तरह से मैं मिठाई की दुकान पे आ गई, यहाँ से कुछ मिठाई चूज कर लेता हूँ, और उसके बाद मुझे अगले काम की तरफ निकलना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं मिठाई की दुकान में हूँ, ये अभी नई खुली हुई है मार्केट में, काफ़ी अच्छी, यहाँ पर भीड़भाड़ कम होते हैं और ताज़ा सामान रहता है। तो गर्मियों में इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप चाहे कहीं से भी सामान लेते हैं, खाने पीने का सामान हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर लेना चाहिए। बेसिकली जो ज़्यादा जल्दी कंज्यूम होने वाली या ख़राब होने वाली चीज़ है, तो उसमें भले ही थोड़ा महंगा मिले, लेकिन अच्छी ही जगह से लेना चाहिए, जहाँ पर रोज़ माल बिकता है और माल आ जाता है। तो ये मिठाई की दुकान है, यहाँ से मैंने कुछ मिठाई ले ली, जो पत्ते में लिपटा हुआ, आप कौन देख रहे हैं, इसको हम सिगौनी कहते हैं।
ये हमारे यहाँ ये लोकल मिठाई होती है, इसको मालू के पत्ते में लपेटा जाता है। ये मालू के पत्ते के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो पिछले अपने रूटीन पर बना रखा है, जिसको आप अगले वीडियो में जा कर के विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह से मैंने कुछ मिठाई वगैरह ले ली है पूजा पाठ के लिए। यहाँ से मैं चला जाता हूँ अपने अगले लक्ष्य की तरफ। आज शायद कुछ शोभा यात्रा वगैरह भी चल रही, तो उसकी तैयारी चल रही। यहाँ से मैं आ जाता हूँ गैस दफ्तर में गैस बुक करने के लिए। वैसे तो ऑनलाइन भी गैस बुक होती है, लेकिन उसमें हमें डिसएडवांटेज यही था कि अटेंडेंट हर समय सड़क में खड़ा रहना चाहिए। आजकल थोड़ा एग्रीकल्चर वर्क भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से इस बात की संभावना भी बहुत कम ही होती है कोई आदमी घर पर उपलब्ध है या नहीं है। और जिस टाइम में हम लोग उपलब्ध होते हैं उस टाइम में गैस बट के चले जाती है। ज़्यादातर गर्मियों में टूरिस्ट स्टेशन भी बढ़ जाता है, तो इन लोगों के पास भी काफ़ी प्रेशर होता है कि 3 बजे तक गैस हर हालत में सप्लाई करनी है। तो खैर घर जाते जाते मुझे 2-3 बजी जाएंगे। फिर अभी ऑन द वे पे जा रहा हूँ, जीप से कोई ज़्यादा समय लगता भी नहीं। 5-10 मिनट में पहाड़ी उतार चढ़ाव रास्ते में चढ़ाई चढ़ते हुए मैं इस तरह से जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये भी कैब वाले हमारे रोज के ही हैं, मैं इनकी सेवाओं का भी अक्सर इस्तेमाल करते रहता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ से मार्केट का काम निपटाते अपना रूटीन वर्क करते हुए सीधा जाते हैं अपने गैस के गोदाम में। यहाँ से मैंने अपने जो सिलेंडर बुक किए थे यहाँ से गैस डलवा दिए गाड़ी में। अब सीधे सीधे मैं अपने घर की तरफ चलाता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि फिर 3 बजे के बाद मुझे गैस मिलेगी नहीं और यहाँ पर काफ़ी रश भी हो जाता है। तो आई कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर नाउ एज आई एम शोइंग टू यू। यहाँ से मैंने इनको कर दिया है वापस और गैस इनकी जीप से मैंने अपने सिलेंडर उतार लिए हैं। अब इन्होंने अपनी गाड़ी बैक करने के लिए लगा दी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ फसल वगैरह भी कटी हुई है। अब धीरे धीरे ये खेत सारा भर जाएगा कुछ ही दिनों में। तो इस तरह से मेरा डेस्टिनेशन आ गया, मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से उतर के अब बस अपने घर ही जाना और कोई ऐसा काम है भी नहीं, तो ये कुछ दिनों में सारे खेत भर जाते हैं। तो इस तरह से भैया जी भी मुझे उतार के उतारने के बाद ये ड्राइवर साहब अपने नेक्स्ट सवारी के लिए चले जाते हैं। और बस इनके साथ फ़ायदा ये होता है कि ऊपर तक भारी भरकम सिलेंडर आ जाते हैं, अदरवाइज तेज धूप में ले जाना थोड़ा पॉसिबल हो भी नहीं पाता है। इसके अलावा मैंने एक ट्रॉली ले रखी है जिससे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं अब अपने घर पर चला गया हूँ और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ हमें भारतीय नागरिक होने पर गर्व है, हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और मतदान जरूर करना चाहिए। इसी अनुरोध के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर स्टे टिल एंड। ब्लॉग में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।